हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल विस्तृत क्लासेस। तो आज की क्लास में बात करें दोस्तों, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं करवक का। चैप्टर का नाम देख रहे हैं हिंदी गद्य पद जो है करवक है। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि मोहम्मद मलिक जैसी को क्या कहा जाता है, तो प्रेम का पीर कहा जाता है, ठीक है ना। करवक किसने लिखा है, तो आप आसानी से बता सकते हो मोहम्मद मलिक जैसी ने लिखा है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, करवक कविता जो है हुआ मलिक मोहम्मद जैसी ने क्या लिखा है, तो करवक कविता को लिखा है। जन्म कब होती है 92 में और मृत्यु कब होती है, इसका कमेंट आप लोग करिएगा, है ना। अगले बात करें हम लोग, तो दोस्तों हम लोग बात करें मोहम्मद मलिक जैसी का जन्म देख लिए, कहाँ हुआ था, तो अमेठी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं तो एग्ज़ाम में बातें पूछ लेगा कि वह किस तरह के कवि हैं दोस्तों, तो आप आसानी से बता सकते हो सूफी कवि के नाम से जाने जाते हैं। जन्म आपने देख लिया था अमेठी उत्तर प्रदेश, और पप्पा का नाम क्या था, तो देखिए यहाँ पर नाम की कन्फ्यूजन होती है, यमरेख लिखिए या यमरेज लिखिए, बुक में इस चीज़ का वर्णन है ना। तो दोस्तों बात करते हैं आगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो वो क्या थे, तो फ़कीर थे, आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा उनकी काव्य धारा जो थी प्रेम मार्गी थी, है ना। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो वह किस भाषा में लिखते थे, तो अवधी में लिखते थे। जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या था, मुख्य धारा के रस क्या था, तो आपको पता है कि इनकी जो कविताएँ हैं वो श्रृंगार रस को लेकर वर्णन की है। इसके अलावा बात करते हैं, गौर फरमाने वाली दोस्तों बात है कि जैसी ने राजा रत्न सिंह और पद्मावती के बारे में जो कथा लिखा है वो किस में है, वह किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो रक्त की लेई लगाकर, है ना। और जैसे कि एग्ज़ाम में पूछता है कि प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, कारनामा हो गया और चित्ररेखा हो गया, सबको याद कर लीजिएगा। और 1548 में बेचारी की मृत्यु होती है ना, और आप बता दें उनके चेहरे में चेचक होती है, बाया से वो कान से बहरे होते हैं, अंधे होते हैं, इस बात को भूलना नहीं है। तो दोस्तों बात करें जैसी के बारे में हम जान चुके हैं, और पूछ रहा है कौन सा दोस्त था, तो आपको बताया है ना, उन्हें नेत्र दोस्त भी था और उनके कान दोस्त भी थे, कान मतलब कान से बहरे थे। इसके अलावा बात करें दोस्तों, एग्ज़ाम में बातें हो जाएगी कि जैसी के काव्य किस प्रकार के गंभीर एवं व्यापक हैं, तो आपको तो पता है कि वह समुद्र की तरह गहरी है और व्यापक हैं। प्रेम का पीर किसे कहा जाता है, आपको भी मैंने बताया था, आसानी से बता सकते हो। इसके अलावा बात कहा जाए करवक कहाँ से लिया गया, तो आपको पता है पद्मावत से लिया गया है, है ना। करवक रचयिता तो आपको पता ही है जैसी साहब है, और पद्मावत किस भाषा में है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है अवधी भाषा में, है ना। तो दोस्तों ये सारी बातें आप याद करके जाइए, एग्ज़ाम में 4 चांद लगा देगी आपको। इसके अलावा बात करते हैं, गौर फरमाइएगा, फिर पूछा है कि और किस परंपरा के कवि हैं, तो आपको मैंने बताया था कि ये प्रेमा व्याख्याना काव्य परंपरा के हैं। उसके अलावा बात करें जैसी ने अपनी एक आँख की उपमा किससे किए, तो दोस्तों दर्पण के साथ किए, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस शाखा के कवि हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रेम मार्गी हैं। वहीं पे बात पूछा जाए सूरदास किसके हैं, तो याद रखिएगा वह कृष्ण मार्गी हैं। तुलसीदास के बारे में पूछा जाए तो राम मार्गी हैं। ये सब बातें आप लोग मार्गी दर शाखा कह सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चैनल को लाइक शेयर बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज है चैप्टर बाई चैप्टर आपको मिलता रहे, है ना। पद्मावत किसकी रचना है, तो आपको तो बिल्कुल पता है कि कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद मलिक जैसी है, है ना। तो आप देख लीजिए और सारे चीज़ों को याद कीजिए, बहुत ही काम की चीज़ है, आपके एग्ज़ाम में 4 चांद लगा दी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।